पिछले साल जुलाई महीने में अंबाला ने आसमान से बरसी आफत का जो कहर देखा था उसे अंबालावासी अभी तक भूल नहीं पाए हैं। वहीं इस साल भी मानसून के दस्तक ने अंबाला के जनता के दिलों की धड़कन तेज कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भारी बरसात होने की संभावना है। ऐसे में इस बार अंबाला को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए खुद हरियाणा सरकार के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने आज शहर का दौरा किया, जहां गंदगी के भरे पड़े और पूरी तरह ब्लॉक पड़े नालों को देखकर परिवहन राज्य मंत्री हैरान रह गए। इस दौरान परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और युद्ध स्तर पर नालों की सफाई करने के आदेश दिए। अंबाला से रफ्तार मीडिया संवाददाता निखिल सोबती की रिपोर्ट। बरसात का सीजन आने वाला है और आज हमने सारे विभाग, चाहे कॉरपोरेशन, पब्लिक हेल्थ, इरीगेशन, PWD और HSBP और बिजली बोर्ड, इन सभी के अधिकारियों को इकट्ठा लेकर आज हमने शहर का एक दौरा किया है। शहर के आउटर में जो बड़ी ड्रेन्स हैं, शहर के अंदर जो स्टॉर्म वाटर के लिए नाले जो बनाए गए हैं, उन सब की सफाई व्यवस्था जांची है। कहीं खामियां मिली हैं, कहीं जगह काम भी हो रहा है और मैंने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि हमने कोई काम को दोहरा नहीं छोड़ना। बरसात में या बाढ़ के अंदर इस बार अंबाला के हमारे सम्मानित जो साथी हैं उनको किसी को भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और आज संडे के दिन भी पूरा जो प्रशासनिक अमला है आज सड़कों के ऊपर है, लगातार सफाई चल रही है और हमारी कोशिश है कि इस बार नुकसान ना होने पाए। घग्गर की वजह से पिछली बार काफ़ी नुकसान हुआ था, इस बार घग्गर में क्या कुछ तैयारी? घग्गर के अंदर भी इरीगेशन की तरफ से जो है हमारा बंद बनने का काम, स्टड लगाने का काम लगातार, और वो पूरे गाँव के बेल्ट तक ये है लगातार जारी है। जहाँ पर ब्रीच हुआ था पिछली बार, जहाँ पर दरार आई थी जिसकी वजह से पानी रिसा था, वो भी जो हमने रिपेयर करवा दिया बड़े अच्छे स्तर के।